आज हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है ना। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं जरा सा देखो, ठीक है ना। तो इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो देखो ईस्टर लिखे हैं CH3CO C2H5 प्लस क्या लिए H2O, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जानते तो हो कि अल्कोहल प्लस इथानोइक एसिड क्या देता था, ईस्टर प्लस वाटर। वैसे ईस्टर प्लस वाटर क्या देगा? अल्कोहल और इथानोइक एसिड देगा, ठीक है। तो अल्कोहल लिख लिए C2H5OH प्लस क्या हो जाएगा CH3COH, ठीक है। अब जरा सा देखो, हम लोग इनिशियल रिएक्टेंट है ना, इसको अगर हम 0.1 मोल ले लिए और इसको क्या ले लिए 10 मोल, तो पहले तो प्रोडक्ट नहीं ना बनता है इनिशियल स्टेट पे। कुछ टाइम बीता तो इसमें से जो माइनस करेंगे वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। 0.1 माइनस 0.01, 10 माइनस क्या हो गया 0.01। तो जो इसमें से घटेगा रिएक्टेंट में से वही तो प्रोडक्ट में आएगा। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.01 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इसका तुम लोग क्या लिखो, रेट लिखोगे। तो रेट इसका क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू, बताए थे ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हैं CH3CO C2H5, ठीक है, और यहाँ क्या है ये H2O है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रेट में तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ना, के इंटू कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो क्या लगाए के, ठीक है। अगर मान लो के डैश इज इक्वल टू, हम मान लिए के इंटू एच टू ओ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू क्या लिख दे, के डैश CH3CO C2H5, ठीक है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर इसका नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ देखो हम लिख रहे हैं रिएक्शन इज नॉट ट्रूअली फर्स्ट ऑर्डर बट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन। कौन सा कंडीशन, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। आप खुद ही बता दो, ठीक है ना, कि कौन सा रिएक्टेंट था वो ज़्यादा था, वाटर। यहाँ 0.1 मोल है ईस्टर, तो वाटर कितना है 10 मोल है, ठीक है। तो हम लोग ये जो ज़्यादा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या किए, निगलेक्ट कर दिए। देखने से क्या लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर ना, दो रिएक्टेंट सेकेंड ऑर्डर, पर ये क्या बन गया फर्स्ट ऑर्डर। कब फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, अगर हम वन ऑफ द रिएक्टेंट को जो है वो क्या है, ज़्यादा है, एक्सेस है, ठीक है। ये नोट करने का चीज़ हो गया, ठीक है। अगर एक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्या किए, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम क्या बताए कि रिएक्शन कब फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। यहाँ वाटर कितना मोल हो गया, 10 मोल हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, नेगलेक्ट कर दिए। इसीलिए के डैश इज इक्वल टू के एच टू ओ लिए, और फिर देखो यहाँ पे के डैश रख दिए, के इंटू एच टू ओ को के डैश रखे, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। देखने से लग रहा था सेकेंड ऑर्डर, पर ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका नाम क्या पड़ा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब हेडिंग लिख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है ना हमको थोड़ा सा इंटीग्रेशन बताना है, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है, और जो डेरिवेशन रहेगा उससे क्या जो आएगा लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उससे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों में रहता है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस DR/DT, ठीक है ना। माइनस क्यों साइन, रिएक्टेंट के लिए DR/DT रेट है, ये क्या है, रेट है, इज इक्वल टू क्या था के, ठीक है ना। रेट इज इक्वल टू बताया था क्या, के आर पे पावर, रिएक्टेंट है आर, आर पे पावर क्या हो जाएगा जीरो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो ऑर्डर है इसीलिए आर पे पावर क्या डाले हैं, जीरो डाले हैं, ठीक है। अब तुम लोग तो जानते हैं ना एनीथिंग पावर जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो इसको लिख सकते हो माइनस डी आर इजिकल टू, हम ऐसे माइनस साइन इधर ले आते हैं, डी आर इजिकल टू माइनस के डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, डी आर है ठीक, माइनस के कांस्टेंट है बाहर करो डी टी, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया आर, ठीक है, इजिकल टू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, ठीक है ना, माइनस के टी हो गया, और कांस्टेंट लगाते इंटीग्रेशन में तो प्लस क्या हो गया सी, ठीक है। अगर टाइम मान लो ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो रहेगा तो आर जो रिएक्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल आर के, आर नॉट के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा आर नॉट के, कब, जब टाइम क्या है ज़ीरो, तो टाइम जब ज़ीरो रहेगा तो आर किसके बराबर हो गया आर नॉट के। तो जब यहाँ टाइम ज़ीरो कर दो और आर किसके बराबर है आर नॉट के, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू आर नॉट आ जाएगा। ध्यान से यहाँ देख लो, टाइम ज़ीरो आर किसके बराबर है आर नॉट के, ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट, इसको इक्वेशन वन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन वन, वी गेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या लिखे R लिखे इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या लिख दिए आर नॉट, देख रहे हैं ना, सी की जगह हम क्या रख दिए आर नॉट रख दिए, ठीक। अब उसके बाद इसको हम लोग अलग से फिर लिख लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला को, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर नॉट है इनिशियल रिएक्टेंट, आर है फाइनल रिएक्टेंट, टी टाइम है, और के रेट कॉन्स्टेंट है, देख लो एक बार, ठीक है ना, सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए तो ये इक्वेशन आए, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन बनाना है, इससे आया हुआ न्यूमेरिकल से, अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। अब चलो हेडिंग दे रहे हैं हाफ लाइफ, बोर्ड एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए भी आता है हाफ लाइफ, टी हाफ लिखे, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ ऑफ इट्स क्या पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जरा समझे इसका मतलब। हम बोल रहे हैं कि टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी हाफ हो गया, कब आर, ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या करेंगे, यहाँ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, हाफ ऑफ इट्स क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला था जो अभी तुम लोग निकाले थे, तो के इज इक्वल टू क्या था आर नॉट माइनस क्या था आर डिवाइडेड बाई क्या था टी, ये फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले हो ना, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या था टी। अब आर की जगह यहाँ वैल्यू और टी की जगह टी हाफ, तो हम लोग ये लिख रहे हैं के, ठीक है ना, आर नॉट माइनस क्या लिख रहे हैं आर नॉट बाई क्या लिख रहे हैं टू डिवाइडेड बाई क्या हो गया टी हाफ, हाफ लाइफ निकालना ना टी हाफ, ठीक है। अब इसको देखो जरा, टी हाफ फिजिकल टू यहाँ पे इसको कर लो, ठीक है ना, टू आर नॉट माइनस आर नॉट क्या बना आर नॉट हो गया आर नॉट, ठीक है ना, आर नॉट डिवाइडेड बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, इधर टू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर नॉट बाई क्या हो जाएगा टू के, ये है टी हाफ का फॉर्मूला। मतलब हाफ लाइफ आएगा जीरो ऑर्डर का निकालने के लिए, तो आर नॉट मतलब इनिशियल रिएक्टेंट को तुम लोग क्या करोगे ऊपर रखोगे, और डिवाइडेड बाई टू के है, के यहाँ पे क्या है रेट कॉन्स्टेंट है,
ठीक है, तो इसको आराम से ईजिली बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाफ लाइफ किसको बोल रहे थे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, इस पर हम पुट कर दिए। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को, दो फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। जीरो ऑर्डर का लिखा रहेगा एग्जाम में कि ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, सिलेबस में दो ऑर्डर पढ़ना है, जीरो ऑर्डर और क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। तो फॉर्मूला दिया रहेगा, जीरो ऑर्डर का इनिशियल रख दोगे, फिर ये फाइनल रख दोगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और यहाँ ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलो ग्राफ पढ़ते हैं। ये चैप्टर तो बताए थे ना कि न्यूमेरिकल्स और ग्राफ का है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी ग्राफ बना हुआ था, ये जो है बता रहे हैं ना, ग्राफ बना हुआ था, पूछा था किस ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर, कंपटीशन में भी ग्राफ पूछता है। तो आराम से बना लोगे हम लोग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम लोग किसका बता रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ठीक, आराम से ईजली इधर क्या है देख लो, हम इधर लिख लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ क्या है, टाइम है, बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट है, फाइनल क्या है, आर है। पढ़े थे ना कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीजिंग का ग्राफ होगा। ठीक है ना, ये हो गया स्लोप। ठीक है ना, स्लोप क्या हो जाएगा, ये भी पूछा है, स्लोप इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे तुम लोग, पढ़े थे ना कि के इक्वल टू क्या था, आर नॉट माइनस आर बाई क्या था, टी, तो उससे क्या हो गया, स्लोप पता चल गया, स्लोप क्या है, माइनस के। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। एक ग्राफ जो बता रहे हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, पर देखो इसको अगर हम रेट इधर दे दिए और इधर हम दे दिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इधर क्या दे दिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे दिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उधर रेट है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेट इज इक्वल टू क्या था, के आर नॉट था, आर के ऊपर जीरो ऑर्डर था, मतलब आर नॉट नहीं, आर के ऊपर क्या था, जीरो ऑर्डर। ठीक है ना, जीरो था, तो एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो रेट इज इक्वल टू के, रेट किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट के बराबर है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो ना डिपेंड कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा कॉन्स्टेंट का। तो हम क्या बनाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाए, इसको देख लो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद है ना जीरो ऑर्डर से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। चलो, ये जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन है ना जनरली तो आया नहीं है, ज़्यादातर है ना फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया, पर हमको तो हर एक ऑर्डर से करना है ना, तो हम तो एक क्वेश्चन बताएंगे कि हाँ कैसे ये बनेगा। ठीक है, पर जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, ये सारा आया हुआ है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, के इज इक्वल टू क्या था मालूम है ना, आर नॉट माइनस क्या था, आर बाई क्या था, टी फॉर्मूला था। अब जो जहाँ है उसको पुट कर दो, के द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ऐसे भी जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या बताए थे, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। तो के की जगह यहाँ पे पुट कर दो 0.003। ठीक है ना, के की जगह रख दिए। आर नॉट, आर नॉट क्या है, इनिशियल, और आर क्या है, फाइनल। तो इनिशियल मेरा क्या है, 0.01 है, तो यहाँ पर रखो 0.01, और फाइनल क्या है, 0.075। बस फॉर्मूला याद रहेगा ना तो न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर से भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, ईजली सारा बनेगा, जीरो ऑर्डर से और फर्स्ट ऑर्डर से। ठीक है ना, बन जाएगा क्वेश्चन। टी टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस करो और क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके तुम्हारा टाइम आ जाएगा 8.3 सेकेंड। ठीक है, 8.3 सेकेंड हो गया। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम लोग क्या पढ़े, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े, और क्या पढ़े, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े। सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम क्या बोले, रिएक्शन इज नॉट ट्रूअली अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना, देखने में नहीं लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर, बट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टन कंडीशन। कौन सा कंडीशन, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तुम लोग फॉर्मूला बताए थे ये जानना है, और टी हाफ का फॉर्मूला बताए थे, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टू के। ठीक है ना, कंपटीशन में भी पूछा था कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है क्या वो रेट कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट डिवाइडेड बाई टू के। ठीक है ना, ये नेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।